राजधानी रायपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण दीप सिंह का एक आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पहले भी राजधानी के बाहर कार्य समिति की बैठकें हुई हैं, संगठन के विभिन्न कार्यक्रमों को लेकर बैठक में चर्चा होगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ में गुरुवार को बीजेपी के सहयोग केंद्र फिर से शुरू हो जाएंगे। इसके साथ बीजेपी कार्य समिति की बैठक इस बार दुर्ग में होने की संभावना जताई गई है। इस संदर्भ में सिंहदेव ने आगे कहा कि विधानसभा में जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताया है। इसके आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कारनामों की पूरे देश में गूंज है, पूरा छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया था। इसके अलावा उन्होंने बलौदाबाजार हिंसा मामले को लेकर कहा कि बीजेपी की केंद्र राज्य सरकार ने सभी समाजों का ध्यान रखा है, बलौदाबाजार में पूरी तरह शांति स्थापित हो चुकी है और लोगों को भड़काने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। ये पिछली सरकार के जो भ्रष्टाचार के कारनामे है और उनकी गूंज तो पूरे देश में गई है और इसी का परिणाम कि विधानसभा चुनाव में महज 5 वर्षों की सरकार को जनता ने से अलग कर दिया, भारत पर विश्वास व्यक्त किया और ये सब परिणाम आपको लोकसभा में भी देखने को मिले हैं। और ऐसे कई कारनामे हैं यहाँ के पिछली कांग्रेस की सरकार के, और जिससे कि भ्रष्टाचार के मामले में छत्तीसगढ़ हमारा इतना प्रकृति का सौंदर्य को समेटे हुए, खनिज संसाधनों को समेटे हुए और असीम संभावना विकास की, लेकिन पिछले 5 वर्षों में और सब कुछ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता चला गया। निश्चित रूप से इसकी चर्चा तो पूरे देश में होगी ही और सदन में भी हुई है।